गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जेंटलमैन, हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी भी और बुरी भी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मिली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलवाई है। बताइए बात क्या है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे देश पर अब तक का सबसे बड़ा और भयानक आतंकवादी हमला होने वाला है। ये देखिए, आपके हिसाब से ये केस किसे देना चाहिए? मिस्टर गोपी किशन, जो हमारे सदर्न रीजन के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। फैसला बिल्कुल सही है। नंदिनी मैडम। हाँ, थोड़ा जल्दी बाहर आइए। आ रही हूँ बाबा। अब तक पूरा नहीं हुआ? बिल्कुल पूरा हो गया मैडम। आपकी ड्रेस प्रेस हो गई। ये बताओ, तुम्हारी छुट्टियां कब से? देखिए, मेरी छुट्टियों में आप काम करते हैं और आपकी छुट्टियों में मैं अपना काम करती हूँ। यही तो हमारा रूटीन है। इस बार मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। पक्का ना? पक्का। भाई कहाँ चली गई? मंदिर गई है, कल तक वापस आएगी। खाना मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें? सच बताऊँ या फिर झूठ बोलूँ? तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते हो। एक बार तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। कब? जब पहली बार मैंने तुमसे कहा था कि तुम खूबसूरत। दस बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस में पहुंच। हेलो सर। हेलो जीके, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, एनीथिंग रॉन्ग? यस, रॉ ने एक शॉकिंग न्यूज भेजी है। एक आतंकवादी ग्रुप हमले की साजिश में है और ये सब लोग इंडिया में घुस चुके हैं। हमें इन्हें रोकना है। इस ऑपरेशन में तुम और मिस्टर शेषाद्री दोनों इंचार्ज रहोगे, समझ गए जीके? जी बिल्कुल सर। सारे स्टेट्स के डीजीपीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसमें वो तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे। ओके सर। इस ऑपरेशन के लिए अपने ऑफिसर्स तुम खुद चुन लो। तुम्हें पूरी छूट है सर। बाकी सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें भेज दी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सेशु, सर, सदर्न स्टेट के सभी बड़े पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग अरेंज करवाओ, जल्दी। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है। हाय चीफ। हेलो अनवर हुसैन। कैसे हो तुम? फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। ये एसीपी शिव कुमार है, सेलम से। हेलो सर। मैं शेषाद्री हूँ, भोपाल से। हेलो। आओ। जैसे ही ये केस मुझे सौंपा गया, उसी वक्त मुझे तुम्हारी याद आई। सर, इस तरह के केसेस में तुम्हारे जैसे सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा सर। दिस वे।
आप सब लोगों ने जो अभी WTC पर अटैक देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। WTC पर हुए हमले से कहीं ज्यादा घातक हमला वो हमारे भारत देश पर करने की फिराक में है, और ये भी पता चला है कि कुछ आतंकवादी भारत देश में घुस चुके हैं। हम उस ग्रुप के लीडर के बारे में नहीं जानते, ना ही उसके प्लान के बारे में, सिर्फ उसका नाम जानते हैं, मलिक। शायद ये उसका नकली नाम है। पहले वो इस प्लान को बाहर से ऑपरेट करने वाला था, लेकिन वो और उसका ग्रुप इंडिया में आ चुका है। ये फूल प्रूफ प्लान के साथ इंडिया में आया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये मत समझना कि ये कुछ नहीं करेगा, मतलब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह है और ओवर सेंसिटिव प्लेसेस हैं, उन पर कड़ी नजर रखो। एक मिनट का भी आराम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। नाउ यू नो वॉट यू हैव टू डू। 24 घंटे अपने आप को चौकन्ना रखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, हर एक गाड़ी की ठीक से तलाशी लेना। सर, इसकी मौत बड़ी अजीब तरह से हुई, इसलिए हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया। एक ही झटके में काम तमाम हो गया इसका। इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किलर ने स्टिलेटो ब्लेड का इस्तेमाल किया है, जो पेशेवर कातिल इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रोफेशनल किलर लगता है। सर, ये बॉडी हमें समंदर में मिली, और बॉडी मिलने के 3 दिन पहले इस आदमी की मौत हुई थी। इसका मतलब ये मर्डर इस महीने की 23 तारीख को हुआ। तुमने मिसिंग केसेस को चेक किया? आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में चेक कर लिया सर, मिसिंग केस नहीं है। जहाँ बॉडी मिली थी वहाँ तुम्हें और कोई चीज मिली, जैसे आईडी कार्ड, मोबाइल फोन या और कुछ? नहीं। ये भी तो हो सकता है कि किलर ने मारने के बाद इसका सारा सामान निकाल लिया हो। सर, बॉडी यहाँ पर मिली थी हमें। The dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up, and you smoke the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and a put them, put them, put them, put them. आखिर ये मरने वाला था कौन बेचारा? इसका मर्डर हुआ तो आखिर क्यों? इसकी मौत के पीछे जरूर कोई राज छुपा है, और उसी राज में हमारे सारे सवालों के जवाब। अनवर सर, प्लीज कम। मर्डर यहीं पर हुआ था। ऐसी टोपी हमारे यहाँ तो पहनी ही नहीं जाती। सच कहूं तो मैंने ऐसी टोपी पहली बार देखी। हे
हिंदुस्तान में ऐसी टोपी कम लोग पहनते हैं। हाँ, बर्मा के मुसलमान ऐसी टोपी ज्यादा पहनते हैं। आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की टोपी कहाँ पहनते हैं? जब 1967 में बर्मा में दंगे हुए थे तो वहाँ के मुसलमान भागकर हिंदुस्तान आ गए थे और उस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में जाकर बस गए थे। वो लोग अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसी टोपी पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। फरमाइए जनाब। आप ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो इस तरह की टोपी पहनकर मस्जिद आता दिखा और बाद में गायब हो गया? ये तो किसी बर्मा मुस्लिम की टोपी है। यहाँ तो कई लोग ऐसी टोपी पहनते हैं, इसलिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये टोपी किसकी हो सकती है। मस्जिद में कई मुसलमान इस तरह की टोपी पहनकर आते हैं। स्टेशन सर, यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेवल एजेंसीज हैं और ये उन तीनों के मालिक हैं। ओके, मुझे लिस्ट चाहिए उन लोगों की जो 22 और 23 के दरमियान कोचिंग गए हुए थे। सर, 22 तारीख को मेरी एजेंसी से 2 लोग कोचिंग गए थे। उनका नाम बोलो। सर, एक का नाम मोहन बंसल है और दूसरे का नाम अकबर बादशाह। और तुम्हारी एजेंसी से? 22 और 23 को कोई हमारे यहाँ से तो कोचिंग नहीं गया। सर, 23 तारीख को मेरे यहाँ से कुछ लोग कोचिंग गए थे। नाम बताओ। उनके नाम हैं, हाँ सर, 2 लोग थे, एक था हैदर और दूसरा यासीन, लेकिन सर दोनों में से बस एक ही वापस आया था। हैदर का एड्रेस क्या है? सर, उसका मकान नंबर है 49, मोहल्ला अट्टापल्ली और गांव टेंगापल्लम। और यासीन का? सर, वो भी उसी गाँव में रहता है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम हैदर के लिए आए हैं? वो हैदर शहर गया है किसी जरूरी काम से। हम भी जरूरी काम से ही आए हैं। मेरी बेटी की शादी की कार्ड लेने गया है। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? पता चल जाएगा। आप कौन हैं? मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? आखिर आप लोग चाहते क्या हो? हैदर को छोड़ो, यासीन का? यासीन? वो कौन है? वो कौन है? क्या है ये? बिल्कुल आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? कसूर है मेरा भाई, कहां था हमारा बेटा शहर गया है? कुछ नहीं किया है नहीं आता? आपके पास क्या सबूत है? इतनी देर से देख रही हूँ, आप हमारे घर की चीजों को हाथ लगाए जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे हैं आप? हैदर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप बाहर आ जाओ। कम ऑन, छोड़ दीजिए उसे, मेरा बेटा कसूर है। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस को अपना काम करने दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसने मुंह खोला या नहीं? नहीं सर। हाँ भाई, 22 तारीख को तो कोचिंग क्यों गया था? मैं अपनी बहन की शादी के कार्ड लेने गया था सर। तूने यासीन को क्यों मारा? मैंने? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो और फिर किसने मारा उसे? पता नहीं। तूने ही उसको मारा है और झूठ बोल रहा है। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। सर, ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसकी जरा धुलाई करनी पड़ेगी। नहीं, खोलेगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या बताऊँ? सच बोल। अगर मैंने आपको सच बताया तो वो शेख मोहम्मद मुझे मार देगा। सर, शेख से डरने की जरूरत नहीं है, उसे भी हम उठा के लाएंगे। अनवर, लेकिन शेख मोहम्मद ने कहा था वो इसे जानता ही नहीं। और नहीं, क्या? नहीं सर, शेख मोहम्मद झूठ बोलता है, उसी ने तो मुझे कोचिंग भेजा था सर। मैं सच कह रहा हूँ, वो 22 तारीख को मेरे घर पर आया था।
सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शादी की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भाई। ले ये पैसे ले। मेरे काम से कोचिंग जाना है। अपनी बहन की शादी की टेंशन बिल्कुल मत लो। ये ले और पैसे रख। आपके रहते क्या टेंशन भाई, मैं कोचिंग जाके आता हूँ, शादी तो आपकी दुआ से हो ही जाएगी। अल्लाह निगेबान हो तुम्हारा। कोई गड़बड़ मत करना, ध्यान रहे। ठीक है भाई। हैदर भाई, वैसे इस बक्से में है क्या? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? यासीन देख, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, ना तो इस बारे में तू मुझसे कुछ पूछेगा और ना ही किसी को कुछ बताएगा, समझ गया ना? चुपचाप चल। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ए चुप ना। ये पार्सल अगर कहीं किसी गलत शख्स के हाथ लग गया तो? देख भाई, मेरे काम इस पार्सल को यहीं तक छोड़ना था। चल यहाँ से। तू यहीं रुक। हाँ भाई, जैसा आपने बोला था मैंने पार्सल ठीक उसी जगह रख दिया। चलो अब निकलो वहां से। ठीक है भाई। ओके भाई। समझ गया भाई। मैंने उसे पैसे के लिए नहीं मारा सर, मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने उसे अपने साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की, वो मेरी वजह से ही मारा गया, मैं उसका गुनहगार हूँ सर। क्या नाम बताया? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? उसका पैसा किधर है? पहले बता। चश्मा जी दवा के साथ पकड़ा है, चल जल्दी बता पैसा कहाँ है। हेलो शेख मोहम्मद जी सर, बोलिए सर। डरो मत, एसएसपी अनवर हुसैन बोल रहा हूँ। जी सर, हुकुम कीजिए। मुझे शेख मोहम्मद के बारे में बताओ। अच्छा, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? वो जंगल के शेर की तरह बहादुर और गरीबों का मसीहा है सर। यहाँ के लोग उसकी दिल से इज्जत करते हैं सर। ओके, और अगर मैं उसे अरेस्ट करना चाहूँ तो? सर अगर आपने उसे अरेस्ट किया तो हंगामा हो जाएगा। जी सर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ सर। Ha 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 ha!
पुलिस मुझे अरेस्ट करने आएगी? उनमें इतनी हिम्मत है? कौन से राज्य की पुलिस आएगी अरेस्ट करने? महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र की या सीबीआई आएगी? अरे स्टेट क्या, सेंट्रल मिनिस्टर को भी मैं जेब में रखता हूँ। होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, सबका नंबर है मेरे पास। सुना तुमने, इसका दिमाग खराब हो गया है। लगता है सुबह सुबह भांग पी रखी है। मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी? चुप, बंदर इधर ही क्या कर रहा है गधा? देखिए ये केस स्टेट पुलिस या सीबीआई का नहीं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, समझ रहे ना आप? अगर एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए मेरी बात मान लीजिए, यहां से कहीं दूर चले जाइए, मेरा काम था समझाना, आगे आपकी मर्जी। चल जल्दी गाड़ी निकाल। ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर मेरे होते हुए आप ये क्या कर रहे हैं? आप अकेले गए तो पकड़ लिए जाएंगे, आप मेरी गाड़ी में चलिए, मेरे साथ आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चलिए। सर यहां से आपको उस गाड़ी में जाना होगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? अगर आप चाहें तो एहसान चुका सकते हैं। ठीक है, समझ गया। ये लो। सर मैं एक बात तो भूल गया, इस गाड़ी में जाने के बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपको ऐसी सेफ जगह ले जाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है चलता हूं। जी मंसूर, तूने मुझे धोखा दिया है, तुझे देख लूंगा मैं। अब भौंकना बंद कर। तो जैसे चंद गद्दारों की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम होती है, ले जाइए इस कुत्ते के पिल्ले को। कानून पता है ना, 24 घंटे के अंदर मुलजिम को कोर्ट में पेश करना होता है। मुलजिम कौन? मैं, और कौन? तुम तो मेहमान हो। नए हो ना, इसलिए मुझे नहीं जानते। मेरे कनेक्शन ऊपर तक है। समझ गया, मतलब जितने आतंकी हमले हुए उसमें तेरा ही हाथ है। ये तेरी गलतफहमी है, मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। शरीफ नागरिक नहीं तो गद्दार है। एसपी मुझे एक बात छोड़ तो दे, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरे कनेक्शंस कहाँ कहाँ तक है। क्या करेगा तू? छोड़ के तो देख। अनवर छोड़ दो उसे। आप बैठिए भाई। बताओ इसको। तुम इन्हें नहीं जानते, बहुत बड़े आदमी हैं ये, बहुत बहादुर। इस शहर के लोगों में इनके लिए बहुत इज्जत है, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। माफी चाहता हूं भाई, ये आपके बारे में नहीं जानता, माफ कर दीजिए इसे। भाई उस पार्सल में क्या था जो आपने हैदर के हाथों भिजवाया था? पार्सल किसने लिया और यासीन को खामखा क्यों मारा? मैं कोई हैदर को नहीं जानता, और ये पार्सल का क्या चक्कर है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों ने उसके कहने पर मुझे अरेस्ट किया है। मुझे आप एक बात बताइए सर, अगर मैं आपके सामने किसी फिल्म स्टार का नाम लूं तो क्या आप जाके उसे अरेस्ट कर लोगे? इस कत्ता में एक जिम्मेदार नागरिक को आप इस तरह सता नहीं सकते। मुझे लगता है हमसे कुछ गलती हुई है। ठीक है भाई, हो सकता है शेख मोहम्मद नाम का कोई दूसरा आदमी हो। एक जैसे दिखने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, और एक नाम के हजारों लोग होते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? सही कहा, इस दुनिया में एक नाम के और एक जैसे दिखने वाले बहुत से लोग हैं। अनवर सर, जिस शेख मोहम्मद को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। हैदर को पहचानने के लिए बुलाओ, अगर वो ये कह दे कि ये शेख मोहम्मद नहीं है तो भाई को रिलीज कर दो। ओके सर। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा यहाँ ये बताओ कि शेख मोहम्मद यह है कि नहीं? डरने की जरूरत नहीं, तुम बस सच बताओ। नहीं सर, ये वो नहीं है सर। अच्छी तरह से पहचान लो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। सोच समझ कर जवाब देना बेटा। चलो देखो। नहीं सर, ये वो शेख मोहम्मद नहीं है। अनवर तुमने भाई पर हाथ तो नहीं उठाया था? क्या सर,
इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई के कनेक्शन ऊपर तक हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं बाहर निकलूंगा देखना मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों की शामत आ गई है, तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा मैं। अगर नहीं किया तो मेरा नाम शेख मोहम्मद नहीं। अनवर सर, शेख मोहम्मद को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। ओके सर। अरे अरे सर, मैंने तुमसे शेख मोहम्मद को छोड़ने के लिए कहा। सॉरी सर, वो तो उस वाले में। ओके सर। सॉरी सर, गलती हो, आप जाइए। थैंक यू सर। सर ये तो कमाल हो गया, ये तो मेरे जैसा दिखता है। विश्वास नहीं होता सर, ऐसा लग रहा है मेरा जुड़वा भाई है। ए, क्या बकवास कर रहे, पागल है क्या? जानता नहीं क्या, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। झूठ मत बोलो, तुम शेख मोहम्मद हो ही नहीं सकते। शेख मोहम्मद साहब आप जा सकते हैं, इस दुनिया में एक ही शक्ल के सात लोग होते हैं। सर मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, ये डुप्लीकेट है। साहब ये आदमी पागल है क्या? आप जाइए जनाब, आपकी बीवी और आपके घर वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए। सर मैं सच बोलता हूँ, मैं शेख मोहम्मद हूँ। ए हैदर बोलना, मैंने कितनी बार तेरी मदद की है, तू बोलना चुप क्यों है? बता इन्हें मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, पुतले की तरह क्यों खड़ा है? बताना मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। अरे इन लोगों को बता के मैंने ही तुझे पार्सल दिया था, तू मेरे लिए काम करता है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, ये आदमी शेख मोहम्मद नहीं हो सकता है। सर सर सर, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, ये नकली है। जरा एक मिनट रुको, मुझे वो शेख मोहम्मद चाहिए जिसने हैदर के हाथों उस जगह पर रखने के लिए पार्सल भिजवाया था। अब अगर ये शेख मोहम्मद है तो फिर आप कौन है? सर क्या मैं अब इसकी धुलाई कर दूं? देर मत करो, शुरू हो जाओ। थैंक यू सर। चाबी देना। सर सर प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों साहब? बड़े आदमी, फैमिली वाला आदमी हूं साहब, मुझे जाने दो साहब। साहब मुझे कैंसर भी है साहब। साहब प्लीज जाने दो मुझे। साहब मुझे जाने दो, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सर बात यह है कि हैदर मेरे पास काम मांगने आया था, और मुझे भी अपने काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। हैदर तेरे लिए काम करता है, और तू किसके लिए करता है? बाला। ये बाला कौन है? सर बाला एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। Reggae music and you put your hands up.
लगता है ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। अनवर सर, इसके मुंह से सच उगलवाने के हम और भी तो रास्ते जानते हैं। एक रास्ता सर, क्यों ना हम इसे एनकाउंटर में मार दें, बोल देंगे भागते हुए मारा गया, या पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होने की वजह से खुदकुशी कर ली। पेट का दर्द ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करते हैं। सशु, यस सर। सारे कैदियों को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। ओके सर। अटेंशन विंग वन एंड टू, अटेंशन विंग थ्री एंड फोर, सारे कैदियों को शिफ्ट करो अभी के अभी। कम ऑन सर, मैं मर जाऊंगा सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है सर, सर मैं मर जाऊंगा सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मर गया मैं सर, करवाइए सर, कुछ कीजिए सर, बांधो इसे सर, सर कुछ कीजिए प्लीज प्लीज सर, सर मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ठीक हो जाएगा, खड़ा करो, बहुत दर्द हो रहा है, फिकर मत करो सर, सर मेरा क्या होगा सर, मेरी बीवी मैं बताता हूँ, बताता हूँ, मुझे उतारो प्लीज। You're perfectly all right, Mr. Bhakti Sagar. आपको बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। हाँ? डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? जब मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं अपोलो हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बताया जो चिकन मैंने खाया था वो मेरे पेट में कुकड़ुकू कर रहा है। कुकड़ुकू? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके पास इसीलिए आया था क्योंकि आप इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपके हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मेरे पेट में चिकन कुकड़ुकू कर रहा है। सेकंड फ्लोर सर, लास्ट रूम सर। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं है, उन्होंने कहा था मेरे पेट में जो चिकन है उसे ठंड लग गई है, छींकता तो दर्द होता है। Who are you? पुलिस। पुलिस? डॉक्टर नईम, बाला हमारी कस्टडी में। बाला का इलाज करते वक्त उसने हमें तुम्हारा नाम बताया था तो हम खुद डॉक्टर यानी कि तुम्हारा इलाज करने आ गए। इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, आपको पता है लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। हम आपको या आपके हॉस्पिटल को बदनाम करने नहीं आए, आप सिर्फ हमें कोऑपरेट कीजिए, इसे में समझदारी होगी, वरना हर न्यूज चैनल और पेपर में तुम्हारे काले कारनामों को एक्सपोज कर देंगे। पुलिस पूरे हॉस्पिटल में फैली हुई है इसलिए होशियारी मत करना। सॉरी डॉक्टर, आप किसी से बात नहीं कर सकते। मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल करना, लेकिन पहले हमसे बात करना। हमें चलना चाहिए नहीं तो डॉक्टर साहब मरीज बन जाएंगे। ₹200 निकालो, पाव भी पाड़ो।
ब्लास्ट हुआ है? कहाँ हुआ? ओह नो। अच्छा ध्यान से सुनो, सिक्योरिटी और बढ़ा दो, ना कोई इस इलाके से बाहर जा पाए और ना ही कोई अंदर आ पाए। हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। एम्बुलेंस में क्या था? डेड बॉडी थी सर। साथ में सिक्योरिटी भेजी है ना? भेजी सर। अच्छा ये बताओ, तुमने एम्बुलेंस में डेड बॉडीज कितनी भेजी थी? 15 सर। ये तो 15 ही लग रही है। नहीं सर, एक बॉडी कम है। अनवर, ये मर्डर भी ठीक यासीन की तरह ही हुआ है, यानी ये वही है, कातिल शहर में है। हेलो, जल्दी फाइल ध्यान से सुनो, सारी इंटरनेशनल कॉल्स को ट्रैक करो, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली कॉल्स पर कड़ी नजर रखो। ओके हो। मेरे मिशन के कामयाब होने तक एक महफूज जगह पर मेरे ठहरने का इंतजाम किया हुआ है, ऐसा आरजे वन ने कहा था, इसीलिए मैं हिंदुस्तान आ गया, लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया और पुलिस की तलाशी भी ज्यादा हो गई, अब मैं क्या करूं? सना मलिक, हिंदुस्तान की आईबी को तुम्हारी पता चल चुका है और वो तुम्हें ढूंढ निकालने की। एक मिनट रुको, इस कॉल को फौरन ट्रैक करो। हमारा मिशन नाकाम ना हो इसलिए आरजे वन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इन्नोर से कॉल कर रहा है, फौरन जाओ। चलो 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 च
नईम की कुर्बानी को इज्जत दी जाएगी। मैंने अपनी मंजिल को छू लिया है हुजूर आला, अब सिर्फ झंडा फहराना बाकी है। एक बात जान लो, हमारे वतन से जो भी कॉल आ रहे हैं वो लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस वक्त वो हम दोनों के बीच की बात भी सुन रहे हो। सारे शहर में पुलिस मेरी तलाश कर रही है। तुम आरजे टू को कांटेक्ट करो, वो तुम्हें महफूज जगह पर पना देगा। और सुनो मलिक, अब से हम एक दूसरे से इस तरह कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैं आपको अपडेट कैसे करूंगा? ट्रेडिशनल वे। मतलब? थ्रू एफएफ विद फ्यूल। अब से हम एक दूसरे से इस तरह कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैं आपको अपडेट कैसे करूंगा? ट्रेडिशनल वे। मतलब? थ्रू एफएफ विद फ्यूल। रिपीट रिपीट, आखिर में क्या बोला वो सुनाओ। थ्रू एफएफ विद फ्यूल। कट करो। सर, आरजे टू और आरजे वन के बीच एक टर्मिनल है। हाँ, हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो आपस में क्या बात करते हैं, तभी उनके प्लान का पता चलेगा। ट्रेडिशनल वे थ्रू एफएफ विद फ्यूल। ट्रेडिशनल वे थ्रू एफएफ विद फ्यूल। शायद हेडक्वार्टर्स के मिस्टर शर्मा इसे डिकोड कर सकते हैं। शालिनी। सर। गेट शर्मा ऑनलाइन। ओके सर। हेलो सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है। क्या कहा? लगता है वो भाग गया सर। ओ नो सर, मलिक भाग गया। जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती अनवर, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, डोंट वरी। शालिनी क्या हुआ? सर, मिस्टर शर्मा सुबह की फ्लाइट से आ जाएंगे। गुड। तो ये टेररिस्ट का कोड वर्ड है, और इसका पहला शब्द रोमन भाषा का है, और इसका दूसरा शब्द अमेरिका के ट्विन टावर्स की तरफ इशारा करता है। एमबी का क्या मतलब है? मेटल बैग, इसका मतलब फ्लाइट है सर। अगर हम उसको बेस मान लें तो एफएफ का मतलब होगा फियर फैक्टर, फेयर फ्यूल फाइंडर, फंक्शन फेयर, फीस्ट फोल्डर, फुलफिल, फीट फ्लाइट, फास्ट फ्लाइट, फेदर फ्लाइट या फर्स्ट फ्लाइट। आपने अभी फेदर फ्लाइट कहा था ना? जी हां। यही है वो पक्षी पेलिकन हो सकता है। पेलिकन तो माइग्रेट करने वाला पक्षी है सर। अरे सुनो, पेलिकन की सारी जानकारी निकालो। ओके सर। अच्छा, तो ये पेलिकन पक्षी पाकिस्तान की तरफ से आता है। इसी पक्षी के जरिए ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हेलो सर, अभी अभी किसी ने बर्ड सेंचुरी से फोन करके करुण गली के पुलिस स्टेशन में एक खबर दी है। जल्दी बताओ। किसी लड़की ने वहाँ अपने हिडन कैमरा से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी रिकॉर्ड की है सर। इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। हमने पूरे इलाके को खाली करवा दिया है और हर जगह सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। हाय, हेलो सर। हाय, कहाँ? इस तरफ सर। ये देखिए सर। सर, झील यहाँ है। आपने कैमरा कहाँ लगाया हुआ? उस पेड़ पर सर। ये पक्षी किस समय पर यहाँ आए होंगे? मेरे रिकॉर्डिंग के हिसाब से रात 12 बजे के करीब। ओके, आपको पता है वो पक्षी कहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं? ये पक्षी पाकिस्तान से आए हैं, और हाँ, इसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा सर, अब चिप से उन्हें एक और मैसेज मिला होगा, है ना सर? बिल्कुल, चिप से बर्ड ट्रैक की जा सकती है, तो आदमी क्यों नहीं। चलो।
दूसरी चिप चेन्नई में पुलिकार्ड में है। पीछे सब पीछे जाओ। हेलो, मुझे सुन रहे हो? यहाँ पर माइंस बिछी, कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आएगी। सारे कमांडोज यहाँ से निकल जाओ राइट नाउ, जल्दी करो। Oh.
hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up. Weight 86, height 182. मलिक, सर हमारा अंदाजा ठीक नहीं किया। Now you can start your interrogations. Yes, sir. मलिक, मुझे पता ही है तुम्हारा असली नाम नहीं है। असली नाम बताओ, अपना नाम बताओ। इंडिया में क्यों आए हो? आरजे टू क्या है और पेलिकन से तुमने कंप्यूटर चिप को क्यों निकाला? क्या था चिप में? ओके, तेरा नाम क्या है? इंडिया आने का मकसद क्या है? तुम चाहे जो कर लो, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो जल्दी से अपना मुंह खोल और जवाब दे, समझा? अनवर, रुक जाओ, मेरे पास आओ। यह आदमी इस तरह से टूटने वाला नहीं है। यह एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आतंकवादी है। इसके ऊपर हमें नए तरीके आजमाने होंगे। सब रेडी है ना? रेडी है सर, लेकिन चेक कौन करेगा? चेक मैं करूंगा ना। ए, पागल हो गया क्या? हा? पता नहीं कितना खतरनाक है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम इसको खतरनाक बोलते हो? 15 साल से अपनी बीवी की चीखें सुन रहा हूँ, उसकी चीखों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। ओके सर, ये लीजिए सर। शेशु, एक बार फिर सोच ले, वरना बाद में पछताएगा। छोटे मोटे काम में सोचना कैसा, इन सब काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। अरे बढ़ाइए ना सर, और बढ़ाइए। अब तो तुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम 3 डेसिबल्स से शुरू करते हैं। और बढ़ाओ। इसकी तो ये ले। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, इनके कान का पर्दा फट सकता है। देखना, अब तो ये मुख खोल ही देगा। ऑन कीजिए। हीट बढ़ा दो। अगर हमने और हीट बढ़ाई तो ये जलकर राख हो जाएगा। ये तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा।
इसके इमोशंस के साथ खेलना होगा। ड्रग ट्रीटमेंट की तैयारी करो। मुझे मलिक वापस चाहिए। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मलिक हिंदुस्तान गया है, उस मकसद को मुकम्मल करके उसे यहाँ आना चाहिए। वो जिस हाल में यहाँ से गया है, बिना किसी प्रॉब्लम के उसे इधर होना चाहिए। उसके लिए मुझे जितनी भी दौलत खर्च करनी पड़े मैं करूंगा, चाहे कितनी भी जिंदगियां कुर्बान क्यों ना करनी पड़े, मुझे परवाह नहीं। मेरी नजर में मलिक से बढ़कर और कोई शख्स नहीं है। मुझे मलिक चाहिए बस। मलिक मुझे सुन सकते हो? मलिक, डॉक्टर साहब डोज बढ़ाइए। माफ कीजिए पर डोजेज बढ़ाने से इनकी जान का खतरा बढ़ जाएगा। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। मलिक, ओह माय गॉड, पल्स रेट घटती जा रही है। गेट मी द एंटीडोज। इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। गेट मी द क्लिप्स। नर्व्स चेक करो। थैंक गॉड, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। Zoom the camera to him. और करो। होठों पर ज़ूम करो। खुर्शीद। बोलो मेरी बच्ची। मैं नहीं जानती खुर्शीद, वो मुझे कभी बता के नहीं जाते। तुम स्कूल जाओ। अब्बा के बगैर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, जब तुम स्कूल से लौटोगी ना तब अब्बा आ जाएंगे। चलो। खुर्शीद, खुर्शीद। क्या है खुर्शीद बेटी? अबे मेरे को हुल देता है, कान के नीचे दूंगा ना एक तेरे तो। अबे चल, क्या अबे चल बे साले, चल मेरे को मारेगा। अबे क्या कर रहा है? कमांडोज अलर्ट, ऑल कमांडोज अलर्ट, बी विंग के जेनरल सारे कमांडोज बी विंग की तरफ जाएं, जल्दी करें। ये भी मिलने को, कोई है कि नहीं?
हमारा प्लान काम कर गया सर। आगे क्या? पहले डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर, हम अपने प्लान के पहले स्टेप में कामयाब हो गए। अगले स्टेप के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए, मैं सब समझता हूँ सर, आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, आपका काम भी हो जाएगा। आखिर कब तक होगा? पक्का तो नहीं बोल सकते। इस तरह किसी भी आदमी को ज्यादा दिन तक बेहोश रखना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, वैसे उसका कंप्यूटर स्केच रेडी है, हम जल्दी ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आप अपने हिसाब से काम शुरू कीजिए डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। क्या हो गया? मेरा यह हाल किसने कर दिया? कोई है? कोई मेरी आवाज को सुन सकता है? मालिक,
मलिक नहीं, मलिक मेरी बात क्या हो गया? अपने आप को रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मलिक प्लीज। मैं डॉक्टर सलीम खान हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? बता दूंगा, पहले शांत हो जाओ। सिस्टर इंजेक्शन दो। यस डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर ये मुझे क्या हो गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब्र करो। पिछले 20 साल से तुम कोमा में थे और बड़ी मुश्किल से तुम अभी अभी होश में आए हो। अब तुम ठीक हो, पर टेंशन लेने की या इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट को 20 साल हो गए, क्या बकवास है? नहीं, मैं नहीं मानता। जानता हूँ मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तुम्हारे दिमाग और शरीर को अभी और आराम की जरूरत है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके सिस्टर, इन्हें इंजेक्शन दे दो और थोड़ा आराम करने दो। ओके डॉक्टर। टेक केयर। डॉक्टर अब यहाँ आराम कीजिए। ये पहला ऐसा केस है जिसमें कोई आदमी 20 साल बाद कोमा से बाहर आया है। जहां तक मुझे याद है 2007 में पोलैंड में ऐसा केस हुआ था, और अब ये केस है। मिस्टर मलिक, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कोई खास संदेश देना चाहते हैं? अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद है? आप किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए ज्यादा सवालों से पेशेंट परेशान हो सकता है। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? ये क्या नाटक है? अंदर कैसे हैं आप लोग? चलिए बाहर। हमारे साथ तमीज से पेश आइए सर, हम प्रेस रिपोर्टर्स हैं। मुझे पता है, तुम्हें पता है ये कौन है? इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये गर्मा गर्म खबर है सर। शट अप, तुम जैसे मीडिया वाले ही ऐसे आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं, शर्म आनी चाहिए। चलिए निकलिए बाहर, बाहर निकलिए। डॉक्टर ये सब क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है सर, हमने 20 साल बाद इस आदमी को कोमा से निकाला है और आप हैं कि खुश होने की बजाय हमें डांट रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है, इसे तो मर जाना चाहिए। क्या रे, क्या घूर रहा है तू मुझे? ये कोई 2-4 साल की बात नहीं, 20 सालों से झेल रहा हूं तुझे, 20 सालों से दिमाग खराब कर दिया। आखिर मर क्यों नहीं जाता तू? मेरी शक्ल से भी नफरत है मुझे। सर, प्लीज सर, प्लीज आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ये मेरा पेशेंट। शट अप, ये पेशेंट नहीं है, ये हत्यारा है। हेलो सर। हेलो जीके। सॉरी तुम्हें बेवक्त परेशान किया। निकिता जिसे हम मलिक की बेटी बनाकर भेज रहे थे, अब वो जिंदा नहीं। ओह माय गॉड। लेकिन ये हुआ कैसे? उसकी मौत भी एक मिशन में हुई। अब क्या किया जाए? ये तो बहुत ही बुरी खबर है सर। इट्स रियली शॉकिंग। मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ जीके, लेकिन तुम्हें कुछ और करना होगा, दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। सर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके जीके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर मलिक, देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर अबुल हसन। मैं विक्टर सॉलोमन फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैं अबुल हसन नहीं हूं। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? मैं नहीं पहचानता। इसका मतलब खुर्शीद आपकी बेटी नहीं है? नहीं। बेचारी लड़की, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल में एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके मुताबिक तुम 20 साल पहले गायब हुए उसके फादर अबुल हसन हो।
लगता है मुझसे कुछ गलती हुई है। मैं एप्लीकेशन वापस कर देता हूं। I'm sorry. It's okay. वॉशरूम वॉश बेसिन वहां है। ओ गुड मॉर्निंग एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलता हूं। हेलो डॉक्टर। अब कैसे हो मलिक? कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? बोलो क्या काम है? विक्टर सॉलमन नाम का आदमी आया था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सॉरी, मैं उसे नहीं जानता, मेरे पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं। डॉक्टर मेरे पास एक कार्ड है, विक्टर सॉलमन का कार्ड, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके, कोशिश करता हूं। थैंक यू। गुड नाइट। मलिक को बचाने का सारा इंतजाम कर लिया था, मगर पता चला कि वो जेल में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अपना खेल खेल रही है, अब अपना खेल शुरू करो। मलिक को बाहर लाने के लिए हमारे पास वक्त कम है। What can I do for you? Sir, जो एप्लीकेशन आपने कल दिखाई थी वो लौटा दी है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं लौटाई। क्यों? उस लड़की की तस्वीर जो आपने मुझे दिखाई थी वो हूबहू मेरे दोस्त अबुल हसन की बेटी की जैसी है। अगर आप मुझे फाइल दिखाएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जरूर, क्यों नहीं। हाँ, ये मेरे दोस्त की बेटी है, क्या मेरी उससे बात हो सकती है? लेकिन बात करनी क्यों? अबुल हसन को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए। गुड, अगर तुम अबुल हसन को ढूंढ लो तो उस लड़की की बहुत मदद होगी। नंबर? उसका नंबर इस फाइल के अंदर ही है। हेलो, हेलो, खुशी बोल रही हूँ। आप कौन? ए, खुशी बोल रही हूँ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? हमारी हिम्मत कैसे हुई इसे फोन देने की? देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल से आया हूँ और तो? इनसे मिलने के लिए मेरे पास परमिशन है। लेकिन क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? तुम्हें पता है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। सॉरी सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग अबुल हसन के नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये अबुल हसन नहीं है, मलिक नाम है इसका। सॉरी, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। यू मे गो नाउ, प्लीज। एक्टिंग कुछ ज्यादा तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बल्कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। Thanks. उसे यकीन हो गया है। एक मिनट सर, मैं अपना फोन भूल गया था। अब मिस्टर विक्टर सॉलमन, माफ कीजिए, मैं ही अबुल हसन हूं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ही अबुल हसन हूं। ट्रस्ट मी। ओके ओके, मैं अपनी बेटी से, अपनी लाडली बेटी से मिलना चाहता हूं, मुझे मिलवा दीजिए ना प्लीज। उसने एप्लीकेशन दी है वीजा के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, विश्वास रखो। थैंक यू।
खुर्शीद मेरी बच्ची क्यों रो रही है मजाक उड़ा रही है स्कूल में भी ऐसा ही करती है मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी कभी नहीं जाऊंगी छोटी छोटी बातों में रोते नहीं है तेरे इलाज के लिए जितना भी खर्च होगा उतना खर्च करूंगा मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज करवाऊंगा मैं तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा इंसान बनाऊंगा कि दुनिया वाले तुझ पर फक्र करेंगे ये तेरे पापा का वादा है माले सर मलिक जैसा टेररिस्ट रो रहा है यह है खून का रिश्ता सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला आज अपनी बेटी को मिलने के लिए कैसे तरस रहा है इस वक्त वो मलिक या अबुल हसन नहीं है खुर्शीद का बाप है खुर्शीद अब्बा मेरी बेटी खुर्शीद तू इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह तेरी अम्मी नहीं आई बारह बरस पहले ही अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई या परवरदिगार उसे जन्नत नसीब दे आमीन जानते आप दोनों के बगैर मैंने तर तर की ठोकरें खाई आपके बगैर मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी नूरुनिसा वो तेरे साथ नहीं थी क्या हाँ मेरी बच्ची कौन है ये मेरी परमिशन के बिना मैंने कहा था ना बिल्कुल अंदर मत आना कौन है ये सर प्लीज जिसे आप मलिक समझ रहे हैं वो मलिक नहीं अबुल हसन है और ये उसकी बेटी है खुर्शीद क्या बक रहे हो 20 साल बाद अचानक ये कहां से पैदा हो गई मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस लड़की को यहां हमारे दुश्मन ने ही भेजा होगा ये भी उग्रवादी है बोलो क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे बताओ सर प्लीज शट अप तुम एमनेस्टी इंटरनेशनल को बेवकूफ बना सकते हो मुझे नहीं पुलिस की मार पड़ते ही ये लड़की इसकी सारी सच्चाई उगल देगी नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए वो आतंकवादी नहीं है सर सर उसे बचा लीजिए अब चाप चलो नहीं है मेरी बेटी है तो मैं सब सच बताऊंगा मैं सब सच बताऊंगा मेरा यकीन कीजिए ये बात है 2009 में 6 जुलाई की तुम्हारे पीएम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इमरजेंसी प्रेस मीटिंग क्यों बुलाई इससे पहले कि मैं कुछ कहूं आप सब लोग इसे देखिए हमारी धरती जो एक वक्त में अपने लोगों का पेट भरती थी आज पूरी तरह बंजर हो गई है सारी की सारी नदियां सूख गई हैं सिंचाई के लिए पानी तक नहीं है जो किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता आया है आज वही किसान भूख से मर रहा है वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा है Thank you.
गए। हमारे पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया। हमारे बच्चों के लिए तो कुछ लेकर आई है ना, इन्हें कब तक भूखा रखेंगे हम? चुगनू बेटा, बेटा उठो, उठ जा, ये लो खा लो। ये तो बताओ, तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? बताओ मुझे। ये क्या, इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए आप? बताओ ना। कुछ कहते क्यों नहीं? ये क्या हुआ? हे ईश्वर, गुर्दा बेच के आप हमारे लिए खाना लेकर आई है? क्या किया? बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने गुर्दा बेच दिया। ये पैसा बैग में रख। हमें पैसे देने से हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेहरबानी करें। अरे चल खड़ी हो जा, तेरे मर्द ने पैसा लिया तो मुझे वापस करना ही पड़ेंगे ना। मेरे पैसे झाड़ में उगते हैं क्या? हाँ बोल। आप तो जानती हैं इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता कि तू पैसे कहाँ से लाएगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। समझा इसे, तुझे तेरा सुहाग चाहिए कि नहीं? हाँ अरे चल, ये ड्रामा वाला बंद कर, मेरा पैर छोड़ बुढ़िया, चल भाग, गाड़ी निकाल जल्दी, छोड़ जा, अरे कुछ नहीं होने वाला, रोड ओके, मुझे मेरा पैसा चाहिए, तू मेरा पैर छोड़। अरे तू एक काम कर, अपने बच्चों को भेज दे, चल भाग। भारतवासी कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? किसान के इस देश में किसान खुद ही भूखा मर रहा है। खेती की समस्याओं से हार मानकर कब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे? हालात बदलने होंगे, हम उन्हें बदलेंगे। जिन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे वो हैं, सबसे पहली है पानी की गहराती समस्या, और दूसरी कर्ज की वजह से आत्महत्या करते हुए किसान। और इन दोनों प्रॉब्लम का हल हमारे एक प्रोजेक्ट में है। इससे हमारे देश की सभी खेती की समस्याओं का समाधान निकल आएगा, जिसका नाम है द ग्रैंड कैनाल प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और
और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 14 नवंबर को कन्याकुमारी से की जाएगी। लेकिन हमारे गिरोह का मकसद था इस रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत को किसी भी तरह रोकना, और हमारे इस विशाल प्रोजेक्ट को अब कोई भी रोक नहीं सकता। हमारा देश अब उन्नति करेगा और जरूर जरूर करेगा, और जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा। तो अब हम कन्याकुमारी में मिलेंगे 14 नवंबर को। मीटिंग में आने वाले हर पॉलिटिशियन को खत्म करना ही हमारा मिशन था। हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद करना हमारा सबसे बड़ा मकसद था, और इसीलिए मैंने हाई पावर सेमी न्यूक्लियर टॉर्पिडो बॉम्ब्स प्लांट किए थे विंडमिल फार्म में, मीटिंग प्लेस से 25 किलोमीटर दूर, 100 मीटर गहरा। तबाही का पूरा सामान तैयार था, और हमारे इस वार से उनका बच पाना नामुमकिन था। मिस्टर मलिक, इंजेक्शन ले लीजिए। सर, उन्होंने 5 बॉम्ब प्लांट किए हैं और 5 हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स हैं। 3 हमने डिफ्यूज कर दिए हैं, बाकी के 2 भी डिफ्यूज कर रहे हैं। अगर ये सारे बॉम्ब्स फट जाते तो 40 किलोमीटर का एरिया धरती के अंदर समा जाता। सर, इन बॉम्ब्स के जरिए वो लोग अप्राकृतिक भूकंप लाने की साजिश में थे। दस की दवाई, हेलो हेलो सर, मलिक अपनी बेटी से मिलना चाहता है। एक मिनट सर, मलिक खुर्शीद से मिलना चाहता है। हेलो सर। हाँ सर, शो बताइए सर, क्या करना है? मैं नंदिनी से बात करूंगा। ओके सर। सिक्योरिटी टाइट कर दो। बिल्कुल सर। ओके ओके। सर, इस तरह मैडम को अकेले भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। बस उसे कोई शक नहीं होना चाहिए, वो अपने सारे सीक्रेट अपनी बेटी को जरूर बताएगा। लेट्स ट्राई। नंदिनी, तुम्हें मलिक से मिलना होगा। आओ बेटी, आओ बैठो। कैसी हो तुम? उस पुलिस वाले ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जी नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सवाल पूछे और बाद में 2-4 जगहों पर दस्तखत करने को कहा। बचाओ, हेल्प।
एम्बुलेंस जल्दी करो उठाओ उठाओ ले जाओ इसे जल्दी उठाओ जल्दी करो तमाम एम्बुलेंस में संभाल कर जल्दी लेकर आओ आराम से एम्बुलेंस में डालो जल्दी लेके चलो एम्बुलेंस में डालो क्या हुआ जल्दी एम्बुलेंस वाले ड्राइवर मेक इट हरी हेलो जल्दी जल्दी क्या क्या बक रहे ये कैसे हो गया अम्मा सारी गलती मेरी ही थी अनवर मेरी नंदिनी आप एक अच्छे ऑफिसर हैं सर लेकिन पति बहुत बुरा समाज का तो फायदा हुआ पर मेरा नुकसान बॉडी में लगी माइक्रोचिप के बारे में कहीं उसे पता तो नहीं चल जाएगा हो सकता है लेकिन उसके पहले ही हम उसे पकड़ लेंगे आप सभी लोगों को यहां देखकर मैं बयां नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आज हम अपने देश का भविष्य बनाएंगे
हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और हम सारी नदियों को आपस में जोड़ने वाले हैं और ये काम हम आज और इसी वक्त शुरू करेंगे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और पानी हमारी एक जीवन रेखा है। विडंबना तो देखिए, एक तरफ लोग बाढ़ से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ सूखे से मरे जा रहे हैं। जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो सारी दुनिया आपकी पहुंच में होती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आदमी से आप बात कर सकते हैं एक छोटे से मोबाइल फोन से। पर क्या ये छोटी सी चीज आपके लिए रोटी पैदा कर सकती है? अब हमें अपने किसानों का जीवन स्तर सुधारना होगा और यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आई हर नदी को हमें जोड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश का हर एक किसान पानी की समस्या से मुक्त हो जाएगा। खून कभी खून से अलग नहीं होता। हिंदुस्तानियों के खून का रंग एक है। तुम मासूम लोगों का खून बहाकर हमें आपस में लड़वा कर अलग करना चाहते हो? ये कोशिश सैकड़ों साल से हो रही है और हिंदुस्तान एक था और एक रहेगा। और याद रहे, इसे अलग करने की कोशिश की तो धरती से तुम्हारा नामो निशान, तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? निर्दोषों को मार कर क्या होगा? बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। सिर्फ एक ही चीज फैला रहे हो तुम, नफरत, और कुछ नहीं।
जिहाद का वास्ता देकर मासूम लोगों को बहकाया जाता है। तुम लोग आतंकवाद फैलाते रहोगे और हम उसे मिटाते रहेंगे, इसे जड़ से खत्म करेंगे, जड़ से ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। हमारे भारत देश की सारी नदियों को जोड़कर पूरे देश को पानी और समृद्धि दी जाएगी और हमारी धरती फिर से उपजाऊ होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।